तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, दिस इज माई लास्ट सेमेस्टर फ्रॉम कम्युनिटी कॉलेज। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह अगर अमेरिका आना चाहते हैं तो हाउ कैन यू कट डाउन योर फीस और आप वो पैसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई मैंने तो बाल कटवा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लॉन्ग बाल मैंने बहुत टाइम के लिए छोड़े, समर शुरू हो चुके हैं और समर्स के लिए मुझे बिल्कुल फ्रेश कट करना था। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू स्टडी फॉर फ्री इन अमेरिका, क्योंकि आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट और मैंने बहुत से वीडियोज इस पे बनाए हैं, लेकिन आज मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। तो भाई आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ और कॉलेज में मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई क्रिएट अ वीडियो हाउ कैन यू स्टडी फॉर फ्री इन अमेरिका। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, दिस इज माई लास्ट सेमेस्टर फ्रॉम कम्युनिटी कॉलेज, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिकेशन की डिग्री मुझे मिल जाएगी। नाउ कम्पेयर टू एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में मैंने अपना फीस बहुत लो बजट में रखा, एंड दैट इज बिकॉज के मैंने कुछ टिप्स लिए, फिर मैंने कुछ स्टेप्स लिए, और वो स्टेप्स की वजह से आई ट्राई टू कट ऑफ माई फीस एटलीस्ट 70%। 70% मैंने ऑफ लिया इवन विदाउट स्कॉलरशिप। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह अगर अमेरिका आना चाहते हैं तो हाउ कैन यू कट डाउन योर फीस और आप वो पैसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, इवन यू कैन स्पेंड दैट मनी ऑन योर लिविंग, और या वो पैसे आप सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मैं आया अमेरिका में 2021 ऑन स्टूडेंट वीजा, और जब मैं आया तो आई वॉज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इट वॉज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन नेपरविल, और बहुत ही एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। तो मैं जब आया मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक, मुझे फीस कहाँ से देना है, और जॉब में फीस मैं निकालूंगा नहीं निकालूंगा, क्या स्टेप्स लूँ। बहरहाल आई स्टडीड फॉर वन सेमेस्टर इन दैट यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर वन सेमेस्टर मुझे अपने एडवाइजर से पता लगा, क्योंकि वो एडवाइजर बहुत ही अच्छी थी एंड शी ट्राइड टू हेल्प मी अ लॉट। तो उसने मुझे बताया कि इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन योर फीस तो आप ये यूनिवर्सिटी छोड़ दें और आप कम्युनिटी कॉलेज चले जाए। अब उस टाइम मेरे जहन में ये आइडिया नहीं था कि भाई कम्युनिटी कॉलेज क्या है क्या नहीं है, कौन सी डिग्री होती है क्या नहीं होता। मेरा अल्टीमेट गोल ये था किसी भी तरह मैं लीगल स्टेटस में भी रहूं और मेरा फीस कम हो जाए। तो आई ट्राई टू माइग्रेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ दी, वहां से मैंने ट्रांसफर लिया एंड आई मूव टू कम्युनिटी कॉलेज। अब कम्युनिटी कॉलेज में मेरी सेम डिग्री थी, लेकिन फर्क यह रहा कि कम्युनिटी कॉलेज की डिग्री 2 साल की थी और मेरी बैचलर्स की जो डिग्री थी यूनिवर्सिटी में वो थी 4 साल की। तो आई ऑलरेडी कट डाउन 2 ईयर्स, मुझे एसोसिएट डिग्री कम्युनिटी में मिली एंड देट वॉज फॉर 2 ईयर्स। तो जब मैं कम्युनिटी कॉलेज मूव हुआ देर वॉज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फीस, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में पेमेंट पड़ रहा था तकरीबन 15,000 पर सेमेस्टर। जब मैं कम्युनिटी कॉलेज आया मेरे सब्जेक्ट्स लिए तो वहां पे एक चीज मुझे ये मिला कि वहां पे आपको पर सब्जेक्ट पेमेंट देना था पर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेमेस्टर में 3-4 सब्जेक्ट्स ले रहे, ईच सब्जेक्ट $300-$400 का मुझे मिल रहा था डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि कौन सी फील्ड का सब्जेक्ट है। तो वहां पे मेरे पेमेंट तकरीबन रिड्यूस हुए 50%, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट्स थे आई यूज टू टेक 5 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ग्रेजुएट होना था और एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ना था तकरीबन 450-400 अप्रोक्सीमेटली। तो अब ये खुद आप अंदाजा लगा ले कि कितने मुझे पढ़ रहे थे। वहां से मेरा फीस कम हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जाके यहाँ आती है बात स्कॉलरशिप की। कम्युनिटी कॉलेज में लोग कहते हैं कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं नहीं मिलते। जब कम्युनिटी कॉलेज में आप जाते हैं तो कम्युनिटी कॉलेज का फीस ऑलरेडी बहुत कम होता है, बिकॉज वो कम्युनिटी का कॉलेज होता है। आप कम्युनिटी अमेरिकाज में बहुत है, हर सिटी में बहुत कम्युनिटीज है और हर सिटी में अपने कम्युनिटी कॉलेजेस है। लेकिन आई मूव टू वन ऑफ द टॉप 10 कम्युनिटी कॉलेज इन अमेरिका, जिसका रैंकिंग टॉप 10 कॉलेजेस में आता था, एंड दैट इज बिकॉज के वहां पे अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मिलती है। ये भी आप बात नोट कर ले, अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मूव होना है यू हैव टू सी कि भाई इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यहाँ पे जॉब स्किल्स क्या मिलेगी, यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे मुझे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स कितने मिलेंगे, यहाँ पे ग्रांट्स कितने मिलेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, तब जाके आप मूव होंगे उस कम्युनिटी कॉलेज में। तो भाई किसी भी तरह मैं मूव हुआ कम्युनिटी कॉलेज, वहां से मेरी डिग्री शुरू हुई
50% मेरा फीस कम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 5,000 में पर सेमेस्टर दे रहा था। अब जो लोग अमेरिका में स्टूडेंट है, एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, उनको पता होगा कि भाई 5,000 पर सेमेस्टर इज नथिंग। वो बंदा आराम से जॉब से निकाल देता है, क्योंकि 6 महीनों में 5,000 कमाना इज लाइक ऑन एवरेज अर्निंग $1,000 अ मंथ, और $1,000 एक बंदा यहाँ पे 6-7 दिन में कमा लेता है इजीली इफ ही इज डूइंग अ जॉब। तो वहां से मुझे एक रिलीफ मिला कि भाई अब शुक्र है मैं 15,000 नहीं दे रहा हूँ, मैं 5,000 दे रहा हूँ। अब मेरा अल्टीमेट गोल ये था, कुछ स्टूडेंट ये होते कि वो बोलते कि भाई मुझे तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, मुझे तो हार्वर्ड से ग्रेजुएट होना है, स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट होना है, मुझे कम्युनिटी कॉलेज नहीं जाना। अब ये उनका पर्सनल चॉइस है। मेरा उस टाइम गोल ये था कि भाई किसी भी तरह मेरा फीस कम हो जाए, क्योंकि मैं फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, मैं गया कम्युनिटी कॉलेज। अब मेरा दूसरा गोल ये था कि मैंने जॉब नहीं करना, मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट करने, एंड फॉर बिजनेस आई डोंट नीड अ डिग्री फ्रॉम अ वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। मुझे डिग्री अगर कम्युनिटी कॉलेज से मिल जाए, अगर किसी भी कॉलेज से मिल जाए, मैं बस एक लीगल स्टेटस में भी रहूं और मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाए। अब बिजनेस के लिए मुझसे, सेल्फ बिजनेस के लिए मुझसे कोई डिग्री तो नहीं मांग रहा कि भाई आप मुझे हार्वर्ड की डिग्री दे, और हार्वर्ड से अगर आप ग्रेजुएटेड है तो फिर ही आपको मैं बिजनेस मैन बनाऊंगा। तो वहां से मेरे ये गोल शुरू हुए। नाउ दिस इज हाउ आई सेव द मनी। आज मेरा कम्युनिटी कॉलेज में आखिरी सेमेस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सेमेस्टर भी आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखे होंगे कि मैंने वो सेमेस्टर किस तरह पढ़े, हफ्ते में 2 क्लासेस, हफ्ते में 1 क्लास, इसी तरह जुगाड़ जुगाड़ के मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर दी। तो भाई अगर आप बैचलर्स के लिए अमेरिका में आ रहे, तो आई वुड एडवाइज यू कि भाई आप जो है अमेरिका आए यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर आजकल वीजा रेशो अच्छा है, कम्युनिटी कॉलेज पे वीजा स्ट्रेट रिफ्यूजल है नाउ डेज। पहले मिल रहे थे कम्युनिटी कॉलेजेस पे, लेकिन अब अमेरिकन को पता चल गया कि भाई सारे स्टूडेंट कम्युनिटी कॉलेज मूव हो रहे, और सारे स्टूडेंट्स के लिए मार्केटिंग जो है वो शायान खान कर रहा है कि वही सिर्फ वाइट स्टूडेंट है जो कम्युनिटी कॉलेज पे वीडियोस बना रहे। एंड दैट इज बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फीस में पैसे बचे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है कम्युनिटी कॉलेज। आप अमेरिका में किसी भी कम्युनिटी कॉलेज जाए, मुझे वहां से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल आई एम प्रमोटिंग कम्युनिटी कॉलेज ताकि आप लोगों को रिलीफ मिले। तो अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं और आप अमेरिका आना चाहते हैं, योर फर्स्ट स्टेप इज टू गेट इन टू द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी से आपको 50% स्कॉलरशिप मिले, 80% स्कॉलरशिप मिले, इट डजंट मैटर। अगर आप पे अपना फीस ज्यादा है, एंड इफ यू थिंक कि मैं ज्यादा फीस दे रहा हूँ, योर ऑप्शन इज कि आपको कम्युनिटी कॉलेज मूव होने। जब आप कम्युनिटी कॉलेज मूव होंगे, एक तो आपके क्लासेस बिल्कुल रिलीफ के आपको मिल जाएंगे, हफ्ते में 1-2 क्लासेस, हफ्ते में 3 क्लासेस, विच इज वेरी गुड। यूनिवर्सिटी में आपके डेली क्लासेस होते हैं, एक तो एक ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जब ये चीज क्लियर हो जाएगी, आपको मिल जाएगा टाइम फॉर योर बिजनेस। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, फिर आपको कम्युनिटी कॉलेज में टाइम भी मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर डिग्री टू। अब जाके मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग सक्सेसफुल 2-3 बिजनेसेस इन अमेरिका एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। दिस इज द रीजन व्हाट आई डिड एज अ स्टूडेंट, और मैं चाहता हूँ अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो यू शुड डू दैट टू। अगर आपको किसी भी तरह इन्फॉर्मेशन चाहिए, मदद चाहिए, एप्लीकेशन में हेल्प चाहिए, नीड हेल्प विद स्कॉलरशिप्स, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, कंसल्टेंसी विद शायान मेरा अकाउंट है ऑन इंस्टाग्राम, उस पर मैसेज करें, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए कि भाई ये टॉपिक पे हमें वीडियोस बनाए कि वी वांट इंफॉर्मेशन, तो मुझे बताएं कमेंट्स में कि मैं वो टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवर करूं, और जितना इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं, तो आई विल ट्राई टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन फॉर फ्री। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इंशाल्लाह, एंड सी यू इन अनदर वीडियो। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच।